नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा मदरसन सुमी ग्रुप के ही एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, मदरसन सुमी वायरिंग। तो ये कंपनी हाल ही में लिस्टिंग हुआ है और ये कंपनी एक्चुअली मदरसन सुमी के साथ ही एक साथ ज्वाइंट वेंचर था। अभी वो सेक्टर को अलग कर दिया गया है क्योंकि ये वायरिंग डिपार्टमेंट का काम करते हैं। तो वायरिंग डिपार्टमेंट क्या होते हैं तो उसी के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ इस कंपनी का भविष्य के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और स्टॉक मार्केट डिटेल्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। वीडियो आगे मतलब लेके जाने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर चला जाता हूँ। तो मैं एक बार वेबसाइट आपको लेके आया हूँ, तो आप वेबसाइट से आपको शायद उतना जानकारी आपको नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कंपनी एक्चुअली मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड जो है वो एक्चुअली काम क्या करते हैं। आप मदरसन सुमी का जो ब्रांड है मतलब मदरसन सुमी क्या काम करते हैं, ऑटो इंसुलरीज प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मतलब ऑटो इंडस्ट्रीज में जितने सारे इंसुलरीज प्रोडक्ट्स है उसको बनाते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में 63 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, 63 कंट्रीज के साथ जुड़े हैं मदरसन सुमी। और इसी कंपनी के एक सब्सिडरी कंपनी कौन है, मदरसन सुमी वायरिंग। तो मदरसन सुमी वायरिंग जो है वो वायरिंग डिपार्टमेंट का काम करते हैं, जैसे गाड़ी का जितने सारे वायरिंग डिपार्टमेंट है उसी के ऊपर केबल्स के ऊपर काम करते हैं। चलो उसके ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो ब्रांड है आप देख सकते हैं, एक्चुअली कंपनी वायरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो वायर के ऊपर कंपनी काम करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी टोटली मदरसन सुमी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी वायरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रख सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा जाए तो बहुत बहुत मतलब शानदार है और जो फ्यूचर ओरिएंटेड के बेसिस से है। देखिए देखिए आप मान के चलिए कोई भी ऑटो इंडस्ट्रीज में अगर पेट्रोल डीजल का भी काम होता है ना, तो भी ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर वायरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर काम होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी काम होगा मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काम होगा उसके लिए भी वायरिंग की जरूरत जरूर पड़ेगा। तो एक कंपनी एक पोटेंशियल लगता है उसके फील्ड में और उसी के बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको जरूर। तो अभी देखना है कंपनी के ऊपर कितना भरोसा आप कर सकते हैं, या इस कंपनी कितना ग्रोथ कर सकते हैं। नया कंपनी है और मतलब कंपनी नया नहीं है, कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है बहुत पुराना है, मगर ये कंपनी नया आए मार्केट में आया है, इसी साल में मार्केट में आया है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर, तो इस कंपनी के अभी फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए छोटा कंपनी है, छोटा मतलब उतना भी छोटा नहीं है, अराउंड आप बोल सकते हैं कंपनी 20,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी बनने वाला है। और करंट जो प्राइस है वो 62.2 है। तो इस प्राइस के रेंज में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो डिटेल्स यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है, एक्चुअली कंपनी के पीयू रेशियो और थोड़ा सा मुझे हाई लगा इंडस्ट्रीज पीयू रेशियो के हिसाब से, क्योंकि इसका पीयू रेशियो डबल से नजदीक है। साथ ही साथ कंपनी के एक चीज मुझे बहुत शानदार लगा, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्स वीडियो जरूर बना के दूंगा, एक नहीं तो एक एक वीडियो में मैं इसके ऊपर भी डिटेल्स डिस्कस करूंगा। ये दोनों चीज कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए, ये चीज आपको जरूर जानना चाहिए। तो देखिए कंपनी के बेस्ट लेवल मुझे देखने को मिला रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी एक जैसा देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक जैसे अभी फिलहाल में काम कर रहा है। तो कंपनी की देखिए जो एनुअल इनकम है वो 400 करोड़ तक है, कंपनी का जो डेप्थ है वो 200 करोड़ के 300 करोड़ तक बोल सकते हैं। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी एकदम देखा जाए तो बहुत कम है, 0.25% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो आप कहेंगे सर इसका हाथ में कैश क्यों नहीं है और कैश क्यों नेगेटिव है। देखिए कंपनी अभी मतलब खुद का ग्रोथ कराने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसलिए ज्यादातर जो कंपनी ग्रोथ कराता है, जो कंपनी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए पैसा ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं उसके हाथ में कैश नेगेटिव होते हैं। अर्निंग पर शेयर बहुत कम है, चलो 1 रुपया अर्निंग पर शेयर है इस कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से। इन्वेंटरी डे जो है वो 97 मतलब डेज में है और साथ ही साथ डेटोस डे जो 42 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, और इन्वेंटरी जो डे है वो देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए 97 है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो 31.4% है,
तो कंपनी कंपनी देखा जाए तो ऑटो इंसिलरीज बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है, उसका जो पेरेंट कंपनी है, उसका जो सॉरी मतलब जो पेरेंट मदर कंपनी है वो है मदरसन सुमी, और उसी के एक सब्सिडरीज कंपनी है मदरसन वायरिंग। तो इसी कंपनी के बारे में ये डिटेल्स आप देख रहे हैं। कंपनी के देखिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कंपनी अभी उतना ज्यादा क्वार्टर्स का रिजल्ट सामने नहीं है, फिर भी देखिए कंपनी के 3 क्वार्टर का रिजल्ट सामने है। अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट तो कर रहा है मगर प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस बार तो कंपनी ने बहुत कम प्रॉफिट किया, अराउंड 46 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो कैसे प्रॉफिट हुआ चलो मैं एक बार आपको डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डिटेल्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ, इस बार जो रिजल्ट हुआ वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी या जो रिजल्ट पब्लिश किया वो लाखों में है, और फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर 4 का, सेकंड जो कॉलम है क्वार्टर 3 का, एंड थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर 4 का। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल कंपनी ने इनकम जिस तरीके से किया तो उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का इनकम जिस बेसिस से हुआ, एक्चुअली कंपनी का इनकम देखा जाए तो अच्छा खासा हुआ, क्योंकि 1600 जो पिछले बार था 1400, पिछले सालों में था 1500। इसका मतलब इनकम में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। देखिए जो कंपनी इनकम अच्छा खासा कर रहा है, मतलब कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हो रहा है, वो कंपनी में फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। फिर भी ये चीज भी आपको देखना चाहिए इनकम होने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर इनकम मान के चलिए 100 करोड़ का इनकम हुआ और आपका एक्सपेंस हुआ 120 करोड़ का, तो आपके हाथ में प्रॉफिट नहीं लॉस आएगा 20 करोड़ का। साथ ही साथ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मतलब प्लस होगा क्या आपका टैक्सेस, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का जो मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो मतलब कितना हुआ वो चलो देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में मतलब टोटल एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं, टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पे आपके सामने ही है। तो इनकम जैसे हुआ उसी बेसिस से कंपनी का एक्सपेंस भी हुआ, तो साथ ही साथ कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन जो हाथ में लेके आया तो एक्सपेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे टैक्सेस पे करने के बाद, यहाँ पे देखिए 46 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले बार कितना था 151 करोड़ का, पिछले सालों में कितना था 170 करोड़ का। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं प्रॉफिट 50% डाउन हो चुके हैं। तो अराउंड अब देखा जाए तो कंपनी ने जो प्रॉफिट किया, जो पिछले बार जो प्रॉफिट किया था 2 बार ने क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑफ ईयर बेसिस, तो उस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यह कंपनी का जो रेशियोज यहाँ पे देखने को मिला, जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज है वो मुझे उतना खास नहीं लगा। तो फिर भी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट किया यही सबसे बड़ी बात है। साथ ही साथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करेंगे तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस से कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट नहीं किया। हाँ तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 411 करोड़ दिखा रहा है, देखिए ये जो प्रॉफिट है अभी एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट होने के बाद प्रॉफिट अर्निंग रेशियो आपको सामने आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो मतलब सारे के सारे रेशियोज है आप देखेंगे तो कंपनी का सारे के सारे डेटा आपके सामने ही है। तो बाकी आप एक बार पूरा डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी ने अभी तक उतना डिटेल्स यहाँ पे दिया नहीं, फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखा, जैसे प्रोमोटर के पास 61% और FIs के पास अराउंड 14.89%, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो DIs के पास कितना 13.242% और पब्लिक के पास कितना 9.96% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ तो हर इंस्टीट्यूशन के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी में कोई खराबी नहीं है और कंपनी एक बड़े कंपनी के साथ जुड़े हुए कंपनी है। इसका पेरेंट कंपनी भी वर्ल्ड के एक अच्छा खासा लेवल में रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर रखना चाहिए, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट आप किस किस तरीके से किया। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सर एक ही बात कहूंगा, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यूअसली मतलब रह सकते हैं। बाकी आप एक बार खुद के डिसीजन लेने से पहले एक बार स्टडी जरूर कर लेना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।